तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो पे आपको अपने लिए एक एक्टिव यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं इस वीडियो पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहली बात, एक्टिव यूट्यूब चैनल क्या होता है? दोस्तों एक्टिव यूट्यूब चैनल वो होता है जो कि आपका अगर एक एक्टिव यूट्यूब चैनल होगा उस पर अगर आप पहला वीडियो अपलोड करोगे या आप अपना 10वां वीडियो भी उस पर अपलोड करोगे तो दोस्तों आपके हर वीडियो पे 100, 200, 500 यहाँ तक कि 1K, 2K भी व्यूज आपके चैनल पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका एक्टिव यूट्यूब चैनल नहीं होगा उसके बाद अगर आप अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करोगे पहले वीडियोस पे तो 30-40 व्यूज चला जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप जितना भी वीडियो अपलोड करोगे उस पे आपका 15-17-20-25 ऐसे करके व्यूज पे ऐसे करके आपके चैनल पर जो व्यूज है आपके वीडियोस पर जो व्यूज है वो रुक जाएगा। दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर को आपने देखा होगा उनका जो यूट्यूब चैनल है उनका सेकेंड यूट्यूब चैनल भी वो खोलते हैं, उनका व्लॉगिंग चैनल भी खोलते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव तरीके से खोलते हैं जिससे कि उनका सेकेंड यूट्यूब चैनल भी बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। तो चलिए आज मैं आपको एक्टिव यूट्यूब चैनल कैसे खोलते हैं वो पूरा सिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपका यूट्यूब एप्लीकेशन इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे एक लोगो देखने को मिलेगा, लोगो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्विच्ड अकाउंट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्विच्ड अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आ जाना है। दोस्तों अगर आप अपने न्यू मोबाइल पे कोई भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल नहीं खोले हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे टॉप पे देख सकते हो एक प्लस वाला आइकन देखने को मिलता है, वैसे ही अगर आपका यहाँ पे कोई भी यूट्यूब चैनल या अपने मोबाइल पर कोई भी जीमेल नहीं होगा तो यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक एक्टिव यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी बनाना सिखाऊंगा। देन उस ईमेल आईडी से आप अपना यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हो जो कि आपका कुछ सेटिंग है जिसको अनलॉक करना पड़ता है। तो उसके बाद से आपका यूट्यूब चैनल जो है एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे आपके वीडियोस पर पहले वीडियो से ही व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे मैं खोलना सिखाऊंगा, उसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी कैसे खोलते हैं वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आ जाएगा। इस टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा साइन इन करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर माय पर्सनल यूज करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकंड पे आपको देखने को मिलेगा फॉर वर्क और माय बिजनेस। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यूट्यूब चैनल खोलते हैं वो सोच देते हैं कि यूट्यूब एक बिजनेस है, ये मेरा एक बिजनेस बनेगा। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल भी बिजनेस वाला ऑप्शन को चूज नहीं करना है। अगर आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो वो आप अपने लिए खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है फॉर माय पर्सनल यूज पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो यूट्यूब क्रिएट करते हैं लगभग 80+ लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। देन आप फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक करके यहाँ पे आप आ गए हैं सीधा इस वाले पेज पे। तो यहाँ पे आप अपने लिए एक जीमेल जो चूज करोगे जीमेल का नेम है उसको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपको कैसे देना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है और यहाँ पे सेकेंड नेम देना है। दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि यहाँ पे आप अपना यूट्यूब चैनल का ही नाम दोगे तो आपका यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो आप आगे जाके वहाँ पे देना है, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। अभी दोस्तों आप अभी यहाँ पे जो नेम दोगे वो आपका ईमेल आईडी का नाम होगा। तो यहाँ पे चलिए ईमेल आईडी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी खोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम डाल दिया हूँ और यहाँ पे सेकेंड नेम भी डाल दिया हूँ। डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप फर्स्ट नेम अपना सेकेंड नेम डाल देने के बाद फर्स्ट और लास्ट नेम देन यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे अपना जेंडर जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको यहाँ पे फिल कर लिया हूँ, आपको भी यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपका जो भी जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है, मतलब जो भी जीमेल आईडी आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने नाम के साथ 111 लगाना चाहते हैं या 123 लगाना चाहते हैं, या आपको यहाँ पे अपने नाम के साथ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर 911 हो या 9090, कुछ भी आप अगर लगाना चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। लेकिन डालने के बाद अगर यहाँ पे दोस्तों कोई बंदा वो नाम और वो नंबर को ऑलरेडी ले चुका है तो यहाँ पे रेड वाले पे शो करेगा, अगर वो अवेलेबल होगा तो ही यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो भी ग्रीन पे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना डाल के बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ अब्दुल फारूक 911। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक अपने ईमेल आईडी के लिए स्ट्रांग पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रांग पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ईमेल के लिए एक स्ट्रांग पासवर्ड डाल दिया हूँ। डाल देने के बाद दोस्तों नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पे रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे दोस्तों रिव्यू करना है तो यहाँ पे मैं रिव्यू कर लेता हूँ। ये मेरा नेम है, यहाँ पे ये मेरा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पे एक मेरा जो ईमेल आईडी है इसको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो है प्राइवेसी टर्म उसको आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। देन नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक पेज आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ईमेल आईडी से मैं यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी जो है सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा नाम है, यहाँ पे हाउ यू विल अपेयर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको काट सकते हो। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज अगर आपको अभी करना है तो यहाँ पे मैं आपको कस्टमाइज करके भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे नाम है। दोस्तों यहाँ पे जो नेम आपको दिखा रहा है ये आपका यूट्यूब चैनल का नेम है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके आपके गैलरी से आप अपना फोटो हो या अपने यूट्यूब चैनल का अगर लोगो बनाए हो तो उसको यहाँ पे आपको लगा लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो लगा लिया हूँ। देन आपको यहाँ पे नेम जो भी यूट्यूब चैनल का नेम है, जैसे कि अगर आपका गेमर चैनल हो तो आप अपने नाम के साथ गेमर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपका कुकिंग चैनल हो तो आप अपने नाम के साथ सेफ लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल हो तो यहाँ पे आप अपना टेक या कुछ भी ऐसे करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे हैंडल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको हैंडल यहाँ पे लगा लेना है। हैंडल लगा लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, हैंडल पे अगर टिक मार्क वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिल गया है तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पे आपका कस्टमाइज हो चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग होना है। यहाँ पे आपका जो चैनल है वो देख सकते हो क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको साइन इन वाला ऑप्शन पे आ जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पे लॉग इन हो चुका है, न्यू यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आप अगर लोगो पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि अभी अभी मैं बनाया हूँ। तो इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो व्यू चैनल करके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन पे आ जाना है। एडिट वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, चैनल ऐड जिसको चैनल बैनर बोलते हैं, यहाँ पे आपको कैमरे वाला ऑप्शन पे आके दोस्तों यहाँ पे आपको बैनर अगर आप बना के रखे हो अपने YouTube चैनल के लिए तो यहाँ पे आपको गैलरी पे जाके यहाँ पे लगा लेना है। तो मेरे पास अभी तो यहाँ पे बैनर नहीं है। तो देन आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने चैनल का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आके अपने चैनल का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं YouTube चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल दिया हूँ। डाल देने के बाद दोस्तों ऊपर सेव वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑलरेडी गिर चुका है। देन दोस्तों अब मैं आपको यूट्यूब चैनल का कुछ एक्टिव सेटिंग होता है जिसको अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यूट्यूब पे
क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपका जो YouTube चैनल ओपन हो के आपको यहाँ पे दिखेगा वो डेस्कटॉप साइट पे आपको ऑन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आ जाने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर पे आपको एक चैनल लोगो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं चैनल लोगो पे क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको स्विच्ड अकाउंट देखने को मिलेगा, तो स्विच्ड अकाउंट पे क्लिक करके आपको जो अभी मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ यहाँ पे देख सकते हो अब्दुल फारूक करके, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे इसको लॉगिन इसलिए करना है कि यहाँ पे कुछ सेटिंग है जिनको हमें अभी यहाँ पे एक्टिव करना है, देन आपका यूट्यूब चैनल जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, तो यहाँ पे कंटिन्यूबल ऑप्शन क्लिक कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, नीचे यहां पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कुछ सेटिंग आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहां पे नीचे एक सेटिंग देखने को मिलेगा, तो इस सेटिंग पे ही सारा जो है आपको एक्टिव सेटिंग करना है, तो उसके लिए इस सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। इस सेटिंग में क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहां पे कुछ सेटिंग आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे जो जो सेटिंग है हम लोग वो एक एक करके चलेंगे। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। चैनल वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। तो आप जिस भी कंट्री से हो आपको अपना कंट्री यहां पे डाल देना है। तो यहां पे मैं इंडिया से हूं, तो यहां पे मुझे इंडिया पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूं। इंडिया सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहां पे आपको चैनल कीवर्ड डालना है। चैनल कीवर्ड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका काम क्या होता है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सपोज आपका एक कुकिंग चैनल हो सकता है, या आपका एक गेमिंग चैनल हो सकता है, या आपका व्लॉगिंग चैनल भी हो सकता है, कुछ भी कैटेगरी का आपका यहाँ पे चैनल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे कुकिंग चैनल है, तो यहाँ पे आपके चैनल का कुछ जो फेमस डिश होगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना है विद आपके नाम के साथ। तो यहाँ पे आपको पहले डिश भी डाल देना है, अपने नाम के साथ भी यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे अगर आपका एक टेक कैटेगरी के ऊपर में चैनल है, तो आपका चैनल का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर पे भी डाल देना है, स्मॉल लेटर पे भी डाल देना है, और पहला कैपिटल बाकी जो वर्ड है उसको स्मॉल पे भी डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ टेक विद फारूक। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपका टैग बन जाएगा। तो इसी तरह का मैं यहाँ पे फिर से डालूंगा, तो यहां पे फिर से डालने के बाद यहां पे फिर से एंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। देन आपको यहां पे क्या करना है, फिर से आपको कैपिटल पे डालना है, यहाँ पे कैपिटल पे डाल के आपको यहाँ पे फिर से एंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने यूट्यूब चैनल का जो नेम है उसको यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो सेटिंग है वो सेव हो रहा है। दोस्तों जैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल को पूरा सेटअप करना, फिर आपका यूट्यूब चैनल एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद आपका YouTube चैनल पे आप पहले ही वीडियो अपलोड करोगे तो उस पर आपका 200, 400, 600, 500, 1000 ऐसे करके व्यूज आएगा। ऐसा अगर आपका दोस्तों यहाँ पे एक बात बोल दूँ, अगर आपका थंबनेल वेस्ट हो, अगर आपका वीडियो का कंटेंट वेस्ट हो और आपका एडिटिंग अच्छा हो, ऑडियंस उसमें ऑडियंस रिटेंशन दे, देन आपका पहला ही वीडियो वायरल होगा। और आपका दोस्तों यहाँ पे मैं खुद गारंटी लेता हूँ, अगर आपका ये सब अच्छा हुआ पहले ही वीडियो से हो सकता है आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए आपको कंप्लीट सेटिंग करना है। तो फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे चैनल पे आ जाना है। चैनल पे आ जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग में आ जाना है। एडवांस सेटिंग में आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आई वॉन्ट टू रिव्यू सेटिंग फॉर एवरी वीडियो इस पे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों आप अगर जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपका जो वीडियो है वो किड्स के लिए है या नहीं, तो आप अपने हिसाब से वहां पे मैन्युअली सेटिंग कर लेना है नो करके। देन आपको दोस्तों यहां पे क्या करना है, सिंपली फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे आपको आ जाना है। फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे आके यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको मैं यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फीचर्स है इसको अगर आप यहाँ पे एक्टिव करते हो, इसको एक्टिव करने का ये फायदा है दोस्तों इंटरमीडिएट फीचर्स का, इसको एक्टिव करने के बाद आप अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। जैसे कि लॉन्ग वीडियोस मतलब आपका 15 मिनट से ज़्यादा जो वीडियो होगा उसको यहाँ पे
अपलोड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने चैनल का प्लेलिस्ट बना सकते हो, आप दूसरे यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेट्स कर सकते हो, 15 मिनट का जो लॉन्ग वीडियोस है इसको अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पर, आप यहाँ पे कस्टम थंबनेल लगा सकते हो। जब तक आप अपना चैनल को यहाँ पे वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे थंबनेल नहीं लगा सकते। देन आप क्या नहीं कर सकते, अपने चैनल को जब तक वेरीफाई नहीं करोगे यहाँ पे आप अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर सकते। तो इसको मैं आपको लास्ट पे यहाँ पे पूरा आपको मोबाइल नंबर से कैसे वेरिफिकेशन करते हैं करके बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपलोड डिफॉल्ट्स की तरफ। अपलोड डिफॉल्ट्स पे आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे आप अगर लगा दोगे, आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करोगे ऑटोमेटिक आपके वीडियो का जो टाइटल है वो यहाँ पे जो होगा वो कॉपी होके आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो होगा कॉपी होके आ जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर का आप यहाँ पे देखते होगे बहुत लंबा लंबा जो है डिस्क्रिप्शन वो अपने वीडियोस पे डालते हैं, वो हर वीडियोस पर डिस्क्रिप्शन टाइप करके नहीं डालते, यहाँ से उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है जैसे कि माइक लिंक, ट्राइपॉड लिंक, कुछ जो भी होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी होके उनके हर वीडियोस पे आ जाता है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, विजिबिलिटी वाला जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इसको यहाँ पे अनलिस्टेड पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे अनलिस्टेड पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे सेव कर लेना है। देन आपको यहाँ पे फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको क्या करना है, परमिशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। परमिशन वाले ऑप्शन पे आपको बस आपका यूट्यूब चैनल और ओनर कौन है यहाँ पे वही दिखाएगा। देन आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आ जाना है। कम्युनिकेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन पे कुछ भी काम नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा आपको यहाँ पे कोई सा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। देन क्रिएटर डेमोग्राफी, यहाँ पे भी आपको दोस्तों कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपको एग्रीमेंट वाला ऑप्शन पे आ जाना है। एग्रीमेंट वाला ऑप्शन पे आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको यहाँ पे चैनल वाला ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे आके दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट फीचर्स जो कि आपको चैनल वेरिफिकेशन करना है इसको मैं अभी बोला था आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिजिबल पे क्लिक कर लेना है। एलिजिबल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा अपना जो भी फोन नंबर है यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, फोन नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों आपके फोन पे एक 6 डिजिट वाला वेरिफिकेशन कोड आएगा, ओटीपी कोड आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, उस कोड को आपके यहाँ पे फोन पे डालना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन कोड जो है दोस्तों डाल चुका हूँ। देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट फीचर्स था, इंटरमीडिएट फीचर्स वो यहाँ पे हमारा ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको पूरा यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन नंबर वेरीफाइड जो है ऐसे करके यहाँ पे हमारा दिखा चुका है। तो यहाँ पे अब हमारा जो सेकंड इंटरमीडिएट फीचर्स था वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, जहाँ पे हम कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आपका एक एक्टिव यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहला जो वीडियो अपलोड करोगे यहाँ पे आपका पहला वीडियो ही यहाँ पे अच्छा खासा व्यूज आएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करके एक अच्छा सा वीडियो बनाते हो और बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हो और वीडियो को सही तरीके से अपलोड करते हो फिर आपका पहला वीडियो ही दोस्तों यहाँ पे वायरल होगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को एक्टिव करके यहाँ पे पहला वीडियो में अच्छा खासा व्यूज ला सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसे सही तरीके से अपलोड करते हैं, वीडियो में व्यूज़ कैसे लाते हैं नहीं पता है तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर आपको एक प्यारा सा कमेंट कर लेना है जिसके ऊपर मैं आपको वीडियोस चाहिए, आपको व्यूज़ के ऊपर में वीडियोस चाहिए या सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर में वीडियोस चाहिए, आप एक प्यारा सा कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर में लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था यहीं तक था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो था यहीं तक था, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल।